में लड़ती है। मैंने कहा वो लड़ते हैं आपसे उनको क्या करती है, कहते हैं मैं उनको अकल देती हूँ। मैंने कहा अकल देती हो तो बहुत और खेल जाती होगी। मेरा ट्रक खड़ा है, मैं लड़के हाँ ट्रक चलते हैं, ट्रक चलते। वो भी बेटी आती है ना, आप कराची तक भी सफर करती है तो इसको भी अगर साथ ले जाती जो क्या बेटी आवे भर के वाल पुचावन को अम्मा खड़ी है। प्यारे ने ऐसे किच्छी पै जाती है हमें तो खतरा रहता है हमारी अम्मी कहीं गुम ना हो जाए कभी कराची जा रही है कभी मुल्तान जा रही है। अले पर उतर के बोलते हैं मैं ग्रेड पे आ गई हूँ पैदल चलते हैं कौन सा सफर है। उसकी जो बहन है ना वो बोलते कि नहीं हम हासलपुर में, वो बोल रहे थे कि हासलपुर हासलपुर नहीं नानी अम्मा हमारा नाना जान फौत हो चुके हैं, आप तो ना फौत हुए यार। अब दादी डर गई हैं, बोलते हैं अगर मैं अभी ना गई तो दो दिन बाद उनका किराया भी मेरे सर पे आ जाएगा। मैं टाइम से किसको बुआ है जींदे दे बस अब आपकी मर्जी है। ये अभी जिंदा तो बैठी है, मैंने तो नहीं देखा मरे क्या हम नहीं पहुँचाते, आप जाए अकेले और सिर चट करे जा चोलू वाले चोल डाले की बड़ी याद आती है। यहाँ से पैदल टूटने की बात कर रही है और दुनिया से नहीं। सुबह सुबह का टाइम है जी माशाल्लाह, और हमारा व्लॉग हो चुका है शुरू। बच्चे जो हैं प्लेटें सीधे कर रहे हैं माशाल्लाह, सूरज निकलने वाला है तो सीधे कर लेंगे, फिर जो है मोटर पंप चलेगा इंशाल्लाह। कुछ बंदे उठे हुए हैं कुछ सोए हुए हैं। अब मैं उधर से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ये किचन बना दिया ना आपने, और क्या बनाते है? चलो आ गए आप, अब सही है। हाँ जी। खुश हो? हाँ जी। सवेरे सवेरे भी खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक है। तो माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम है तो हमने सब ने नमाज जो है अदा कर ली है, तो अभी जो है घर के काम जो है शुरू हो चुके हैं। तो चाय बना रही हूँ जिस पर मेरे को चाय पीना है सुबह सुबह, वो आज अभी तो है कहवा उबल रहा है, अभी इसमें दूध डालती हूँ। ये भी दूध रखा हुआ है और ये भी रखा हुआ है। डाल छोड़ो सारा ख़त्म कर छोड़ो। डाल दिया। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। हमारे व्लॉग जो होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहन भाई देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे व्लॉग जो होते हैं कितनी मज़ेदार होते हैं। हाँ जी हाँ जी। और सुबह सुबह भी हमारे घर में हर कोई हंसता मुस्कराता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है सुबह सुबह के नज़ारे हैं माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। अच्छा दूध मैडम ने डाल दिया है और आप सबने देखा है दूध डाला है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को। हाँ जी जरूर करना है। एक इसलिए निकाल ली एक प्याली,
अपने लिए। आप चाय नहीं पीते? नहीं। कावा पीते हैं? कावा अच्छा लगता है माशाल्लाह की तो से। हाँ जी, यहाँ पर सब बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डिसीजन लेते हैं यार। दादी तो पता नहीं क्या है, बात ही नहीं मान रही, रुकती भी नहीं है, डिसीजन ले रही है। हमारे पिछले व्लॉग में कह रही थी ना कि मैं इधर ही रहूँगी, अब देखें मैंने बोला था ना सुबह का, फिर बोलेगी मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे घर जाना है। अब देखें तैयारी करके बैठी हुई है। वो बोलते कि मैं जब भी पहुँचाती आए, मैंने नहीं बैठना है यहाँ पे। और साथ में वो देखें रंगा हुआ है उसके साथ। चलें दादी मैं आपको छोड़ के आता हूँ, तैयारी पकड़ी हुई है। आप तो इधर रुक जाएं, फिर नानी अम्मा नहीं जाएगी। आज मैं नहीं जा रहा, आज मैं दादी को रोक रहा हूँ कि वहाँ पर क्या है। तो कहती है वहाँ पर वो आपस में लड़ती है। मैंने कहा वो लड़ते हैं आपसे, उनको क्या करती है? कहते हैं मैं उनको अकल देती हूँ। मैंने कहा अकल देती हो तो वो तो और खिड़ जाती होगी। कहते जब वो खिड़ती है मैं चुप करके गुस्सा होकर बैठ जाती हूँ, फिर वो चुप कर जाती हूँ। तो ये बातें कर रहे थे जब देखे वो जो कर रही है आप खामोश होकर बैठ जाए गुस्सा करके, फिर वो खामोश हो जाएंगे, वो कहेंगी कि हमारी माँ ना गुस्सा हो गई। वो ना घर के काम शाम करने में ऐसे बहस चली रहती है ना, आपको तो पता है औरतें जहाँ पर ज्यादा हो ना ये बहस करती है, ये काम मैंने किया है वो आप करो वो तुम करो ऐसे। तो फिर वो दादी को चिढ़ाती है, दादी गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होकर दादी तो इसलिए कह रहा हूँ इधर रुक जाओ, इधर कौन सा आपको गुस्सा आता है, इधर तो खुश रह रही है माशाल्लाह। न्यू सूट काटन शाटन लगा के बैठी हुई है, सुकून से पंखे पे बैठी रहती है वहाँ पे। मेरे पैसे के गेंद के पास भी बैठी है मैं उधर। नहीं अपने पैसे तेरे पैसे में पास बैठी है? नहीं मैं ये बोल रही थी घर की तैयारी की है, काटन वाला सूट लगा के बैठी है। आखिर वो कपड़ा पाना था एक काटन का, कहीं लोन का, कहीं तेरे लिए का, अगर कपड़ा पाना है ना। हाँ गर्मियों में बस यही पहने जाते हैं और तो कुछ भी नहीं पहना जाता। कभी ईद पे सूट मिलता है, कभी ऐसे वैसे मिल जाता है, तो पहनना तो है। हाँ अगर कपड़े के बगैर कौन रह सकते हैं, बैठना तो नहीं है। अच्छा क्या हो गया है? पैगाम लेकर आ जाते हैं, फलां बंदा कह रहा था फोन करो, फलां बंदा कह रहा है फोन करो, क्यों करूं मैं, बुला लूंगा किसी का। उनके पास बैलेंस नहीं होगा, बात भी कोई नहीं होती। कहता है कोई काम हो तो मुझे दिहाड़ी पे लगाना। अच्छा। रोज ये कहता है वो शीलू। अच्छा कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही होते हैं। क्या है जब वीडियो बनाते हैं ये रोने लग चुके हैं, वैसे खामोश रहती है। ना मांगो फिर रोने लग जाएगी। हम फिर ले वो, नहीं वो खामोश होती है, फिर ये जाती है ना कहते मुझे दे दे, फिर रोने लग जाती है। रात देखें जी यार उस खड़ी कार के वहीं पे उसे खड़ा करके चली गई, वो ऐसे खड़ी हो ऐसे ऐसे कर रही हो। हमने बोला कि गिर जाएगी, क्यों खड़ा करके आ गई है उसे। वो कहती है कि मेरी बात कर रहा है। सुबह से देखा है वो बस उठा के घर में सारे चक्कर लगा रही है। वो एक बालू के घर हमारी वो ना ये चेड़ करती है, जहाँ भी कभी भी किसी के घर में जाती है ना फिर ये इसी तरह ही रिएक्ट करती है, रोती रहती है। दो महीने हो गए उन्हें को नहीं। अच्छा भले दादी नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। अब देखे फिर घर की तैयारी कर, मैं आजाद हूँ आजाद वोट। आज माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, शोर बंद करो। अब तो आपकी बेटी आपसे मिलने आई है, तो आप उसे इधर छोड़ के मिलने आई है, इतने भी मिलने आई है, मेरे घर भी आ सकती
दो दिन रह लो हमारे घर में, फिर उसको भी लेके चले जाना। करते साथ वैसों का मेरा ट्रक खड़ा है, मैं लड़ के बैठा। हाँ ट्रक पे चल दे, किराए से चल दे। अगर आज आज के साथ जाएगी तो फिर कहाँ बैठेगी? कभी टोर के है, कभी कहीं सवारी आ जाए, कभी हवले डे पांडे करेंगे। आज जाएगी, आज सवारी मिल जाएगी, फिर दो दिन बाद जाएगी तो सवारी नहीं मिलेगी। समझ आ गई है मुझे, आप उसको लेके जाना ही नहीं चाहती, फिर कह रही हो मेरे ख्याल है। मेरी नानी अम्मा ना वो शोर आप लोग लगते हैं, ये वाला बेटी की है मेरे घर। वो कैसे है जब आप खुद कहते हैं मैं अकेली जाऊंगी, आज जाऊंगी, वो मेरे घर नहीं है। मुदी से को हो से लेकर जाती तो मुदी से के है तो आगे से चल से। चलो मैं अपने भाई के घर आई हूं, मैं अपने भाई के घर बैठे मां तेरे घर नहीं। वो मेरा भाई है, वो तो भाई का नहीं। वही कह रहे हैं ना, अब आ तो गई है, अब आगे उसने रास्ता नहीं देखा हुआ। आप आती जाती है मसला, आपकी जो भी बेटी आती है ना, आप कराची तक भी सफर करती है। तो इसको भी अगर साथ ले जाती जो क्या बेटी आवे भर के वाले पुचावन को अम्मा खड़ी है, इसको भी आप ही पहुंचा दो। यार भाई ने सेठ के वाले भाई पुचावन कराची वाले बंदो को चिढ़ाओ ना, गुस्सा ना दिलाओ। जो देखते है ना कराची वाले, उनको बता रहे हैं कि नानी अम्मा कराची भी आती है, कराची तक अपने बेटियों को पहुंचाने जाती है। हाँ जी, ये बड़े लोग हैं, कराची की सफर है। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कराची की सफर है। हाँ ठीक है, कहते हैं लोग क्या भेजा तो वहाँ भी चले जाऊंगी। क्या किराया दे, कराची वाली बेटी का प्यारी है बहुत, प्यारी नहीं प्यारी नहीं है वाली प्यारी है, प्यारी इतनी नहीं है, बार ही को नहीं देना औलाद के। हाँ उतने ही होते प्यारे नहीं है, ऐसे गिच्छी पै जाती है। हमें तो खतरा रहता है हमारी अम्मी कहीं गुम ना हो जाए। कभी कराची जा रही है, कभी मुल्तान जा रही है, कभी लड़काना जा रही है, कहीं गुम ना हो जाए। ये वही दादी है, वो अली पर उतर के बोलते हैं मैं ग्रेड पे आ गई हूँ, पैदल चलते हैं, कौन सा सफर है अलीपुर से जतोई का सफर तो देखो 30 किलोमीटर सफर है। वो ना दोनों बहन है, जब वापिस आ रहे थे कैसे शुभ लगाए हुआ था, हम ना आगे जा रहे थे पता नहीं कौन सा रोड लेके। अब बावलपुर से आई डेरा बखा की तरफ, कहती है इधर जा भाई, हम तो हासिल पर पहुंच गए थे, उधर से 40 रुपए दिए, फिर उन्होंने डेरे बखे। मैंने कहा हासिलपुर से 40 रुपए लेकर उन्होंने बावल पर पहुंचा दिया। गलती तो बादशाह ने मेरी गलती तो नहीं, उठो तो चल रहे आखे डेरे बखे रह गया टाइम में ना पे असा तो देरे बखे वाले टाइम दे मिले दे हुन वो सब पते देता ओने से ना देरी देरे बखे नी में ना एक है। अच्छा जेरे उन्ने नी दे से साडे को देरे बखे में ना पे। नहीं नहीं हमारे पास ज्यादा किराया था, हमारे पास किराया ज्यादा था, हम चले गए देर बरोबर गए गए एक सैडा जी है तो कह नहीं हासलपुर गए। नहीं इनको पता नहीं चला हासलपुर 100 किलोमीटर है, 40 रुपए में आगे आगे पहुंचा देते हैं। ये लोधरा गए थे। हाँ अबू बता रहे थे, कहती है नहीं हम हासनपुर गए थे। हाँ उसकी जो बहन है ना वो बोलते कि नहीं हम हासनपुर में, वो बोल रहे थे कि हासनपुर हासनपुर। चलो जहाँ भी गए हो सुल्तान वाली। हाँ जी ये उसमें बैठ गई, अगर हासनपुर वाली पे बैठते तो इधर आज क्यों साथ में कोई और गाड़ी की आवाज सुनी होगी। नहीं उठे अड्डे पे बैठे ना, वो अड्डे में इधर खड़ा हुआ था, बाहर देर रखे वाली गाड़ी आ गई, मैं उधर तो बिलेट। अच्छा बाल बैठे रह गए त्रे चार गाड़ियां फिर ये थी गया आसा के आखिर कहने आएंगे तो ना वो भी गाड़ी नहीं पियो तो मिले ना बाल ओ गाड़ी जले या के ए देर बखे वाली गाड़ी है ऐसा तो बाय गए थे देर बखे वाली गाड़ी तो वाली बाय गए थे वो तो बाल गलती होना है नहीं बाल वो ना तो चाची गए अगा पीछे सब और क्या पता नो ड्रामा सकते हैं। हम कहते हैं कोई बस वाला और कहीं ले जाए आपको कहां जाना है। आप चलते फिरते हैं फिर घर में जान छिट रहे हैं यार, कहीं ना कहीं सुनते ना कहीं गाल होते। नहीं नानी अम्मा हमारा नाना जान फौत हो चुके हैं, आप तो ना फौत हुए हमें। दादी का गुस्सा
दादी को गुस्सा दिला दिया। वो अभी जा रही है, कैसी बातें करती हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब आप ना दूर हो हमसे, ये बोल रहे थे कि फौत ना हो ये अपना ऐलान फौत करके जाने का। सारे हम एक बोल ना फौत करें नहीं। दादी को गुस्सा दिला दिया आप सबने, बोलते हैं चले जाऊंगी, सर चट कर बैठूंगी। मेरा दादा जान जब पहली बार आए थे ना, जब मेरा दादा जान पहली बार आए थे, वो बोलते कि बस आखिरी चक्कर आप, मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं आऊंगा। जब दूसरा चक्कर है, वो कहते हैं अब मेरा आखिरी चक्कर है, अब मैं फिर नहीं आऊंगा। हाँ जी, वो तो अल्लाह को पता, अल्लाह पाक ने जिसके जितने जिंदगी लिखी है। हाँ जी, ये बेर थी ना, भाभी तोड़ के ले आई, कहती है नाना जान ये खाना है, कहते है ये मुझे मारना चाहती हो, ये कच्चे बेर लेके आ गई। दादा जान भी ऐसे ठीक ठाक हमारे घर आए थे, उसको वापस थोड़ा घर जब पहुँचे तबियत खराब हो गई, फौत हो गए। हाँ जी, आपको बोला था ना कि मुझे मोबाइल दे दे, मैं कॉल करूँगा। मैंने मोबाइल भी दिया था कि रास्ता करता रहूँगा आपसे। वो मैंने पूछा कि दादा नाना जी ना आप बताएं कि आज क्या खाएंगे, वो बोलता है ठीक है आज ना मैं अपने बेटियों के पसंद की चीज़ खाऊंगा, आज मैं बिरयानी खाऊंगा। तो इसे ना दम्मे की बीमारी थी, तो वो मैंने बोला कि आपको तो दम्मा है, फिर आपकी खांसी ना बढ़ जाएगी, आप सांस भी नहीं ले पाते। तो उसने बोला कि चलो ठीक है गुड़ वाले चावल पका दे मुझे। फिर गुड़ वाले चावल पका के दिए, मैं बेर तोड़ के ले आई कि नाना जान ये खा ले। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मेरे नाना जान ने बोला, आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं ये कच्चे बेर खा के। मजाक करते थे बहुत, बस अल्लाह पाक उसे जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम। आमीन। अब दादी डर गई हैं, बोलते हैं अगर मैं अभी ना गई तो दो दिन बाद उनका किराया भी मेरे सर पे आ जाएगा। मैं टाइम से किसको, इसलिए तो भाग रही हूँ जल्दी। मैं सभी किराए खुद भर के अपने बेटे को कराची तक पहुँचा आती हूँ। ये वही तो है, बोलती है हमने जाना है डेरा बक्का। हाँ जी। तो गाड़ी वाले ने बोला ये तो गाड़ी जाती है हासिल पर। उन्होंने बोला चलो किराया हमारे पास ज्यादा है, हासिल पर चलते हैं, फिर वहाँ से डेरा बक्का। पैसे उतना जाना है नहीं, पैसे ज्यादा थे। अच्छा, दादी का मतलब है जो मर जाता है वो उसको जिंदा लोग संभालते हैं। अब आपकी मर्जी है, ये अभी जिंदा तो बैठी है, मैंने तो नहीं देखा। मरी तो नहीं है, बैठी है ना, मैं नहीं है क्या, मैं को पहुंचे से नो तो नहीं तो वैसा पाई ना पूछे से बैठी है या वो मुई बैठी है मन ले जाए वो तो नहीं खड़ी है। हम नहीं पहुंचाते, आप जाए अकेले और सर चट करें जा। ना पूछे से डरवा वाले भूल जाए या कराची चले जाए या लोधरा जहाँ भी ये किराया हुआ तो मेरे को लाभ हुआ नहीं, बाकी मेरे को ये तो नहीं किराया ना लाभ से बन जाए परसों। अच्छा जाना कहाँ है आपने? आपने जाना है चोंड वाले, चोंड वाले की बड़ी याद आती है। चोंड वाला कहीं नहीं है, कोंड वाला है, तू सबसे बड़ा वो चोंड वाला, वो हर बंदा मेरे साथ मजाक। छोटे वाले में बैठी है। चलो अब फैसला कोई करे ताकि तहकीकात जो है ना वो सबको पता चल जाए कि फैसला आखिरी क्या हुआ है, जाना है या नहीं जाना। अभी अभी मुझे मुनासिब मतलब बताए जवाब। हाँ जी क्या बता दे। हाँ जी जब बोले नानी दादी तू टोर वैसी बाल नसेंसी, जब बोली आई नानी टोर गई तोड़ गई है, हम नहीं जाने देंगे ना अभी नहीं। आज नहीं बताएंगे ना, आज कोई पता नहीं जाएगा, जब तोड़ रही बड़ा बात है जैसे संजय बेली। फिर हम भी बोलेंगे तोड़ गए यार मोहता वाले। ये फूफो आई है, चलो दो दिन रह जाएं, गप शप लगाएं, हमारा तो यही फैसला है। गप तो शप, फिर हम बस पर बिलाएंगे चाहे वो फिर जहाँ आपको ले जाए। जब आप टर जाएंगे ना तो हम बोलेंगे फरमान भाई और मैं टर गए यार मोहब्बत वाले, है ना फरमान भाई। जब मैंने कहा ये चले जाएंगे फिर हम भी गाएंगे कि टर गए यार मोहब्बत वाले।
अल्लाह ना करे यार, यहाँ से पैदल टूटने की बात कर रही है और दुनिया से नहीं। आप तो दुनिया से टूटने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। बोलते हैं अगर नहीं छोड़ने जाना तो मैं पैदल चले जाऊंगी। दादी आज बहुत गुस्सा है, ये ना हो डंडा उठा के सबको मारे। जल्दी उठा भी सकती है, जूतियाँ भी उठा सकती है, सब को भी मार सकती है। चले सही है जी, आप नहीं बता रहे कोई जवाब। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।